जो हमारे धीरे बाहर निकल रहे हैं, ईडी के अधिकारी उनके साथ हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरह से घेरे चौक चौबंद में जो है लगातार लगे हुए हैं, और जो अधिवक्ता है उनके वो भी उनके साथ हैं। तो पूरी तरह से हेमंत सोरेन व्हाइट कलर के कुर्ते में जिस तरह से प्रवेश किए थे और 5 दिनों तक फिर से एक बार आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन कार्यालय में बैठा करके लिए जाएगा। जो गाड़ी है टुकड़ी वो भी उनके साथ मौजूद है। हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारियों के साथ जो है फिर से ईडी कार्यालय ले जाया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं न्यूज विन टीवी में, किस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम भी जो है कार्यकर्ता सवेरे से ही डटे हैं। फिर से जो है ईडी रिमांड पर हेमंत सोरेन को ले जाया गया वेंटिलेशन नहीं है जिससे मुझे दिक्कत हो रही है, मेरा स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। ठीक है, यही बात उन्होंने ठीक है। कोर्ट ने अपना फैसला वही दिया कि 5 दिन और रहेंगे। नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं कहा, बेसमेंट को लेकर के कुछ नहीं कहा है कोर्ट ने। जमीन के लेकर के एविडेंस मांगा गया था, उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, ये खाली खानापूर्ति हो रहा है और मैं समझता हूँ कि टाइम वेस्ट करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ही अपने आदिवासी भाइयों को कहना चाहूँगा कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आदिवासी जमीन लेकर के और कब्जा किए हुए हैं और उस पर आलीशान मकान और महल बनाए हुए हैं, सभी आदिवासी भाई अपने अपने जमीन का खाता खतियान जमा करके और इसी ईडी के कोर्ट में जा करके डेली 500,000 की संख्या में जा करके आवेदन दे कि मेरी जमीन का भी लूट हुआ है विभिन्न नेताओं के द्वारा, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बात करने की कोशिश करते हैं, 5 दिन का दिया है, 5 दिन का और ज्यादा दिन का मांग कर रहे थे, मांग 7 दिन का किया था उसमें 5 दिन का दिया गया है, यही है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार पूछताछ के लिए डिमांड बढ़ाया जा रहा है, इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो हम लोग को दिख रहा है उसके आधार पर हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर टाइम पास किया जा रहा है, खानापूर्ति किया जा रहा है। अब भारत के तमाम किसी भी लोगों को कोई विश्वास नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव तक अगर नहीं करता जमीन से रिलेटेड हुआ और जो भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ कुछ बातें आई हैं उस पर भी जो है सो ईडी के वकील साहब ने रखा कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ आए हैं बातें। इसलिए फर्दर 5 दिन के 7 दिन का रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें से कोर्ट के द्वारा 5 दिन का रिमांड की मांग की गई। और एक नई बात ये आई है
कि विनोद सिंह जो थे उनसे कुछ चैटिंग इनकी हुई थी, उस चैटिंग के रिगार्डिंग भी कुछ पूछताछ करनी है, इसी बात को लेकर फर्दर रिमांड की मांग। मतलब ईडी की तरफ से ये बातें रखी गई, हेमंत सोरेन की तरफ से क्या कुछ बातें रखी गई? हेमंत सोरेन साहब की तरफ से उनके जो अधिकृत जो है उनके द्वारा ये बात रखी गई तो ये पांच दिनों का रिमांड मिला है और जैसा कि बता रहे थे और ये रुपेश जी कितने दिनों की रिमांड ग्रांट की गई है? पाँच दिनों की रिमांड ग्रांट की गई है। क्या ग्राउंड दिया गया? ग्राउंड ये दिया गया कि अभी जमीन की रिगार्डिंग जो भी पूछताछ करनी थी वो खुलकर कोई भी बातें सामने नहीं आई है, कुछ और चीजें पूछनी बाकी रह गई है। इस बात को लेकर फर्दर सात दिन की रिमांड की मांग की गई थी जिसमें पांच दिन की रिमांड अलाउ की गई है कोर्ट के द्वारा। आप ईडी करते हैं? मैं वहां पर मौजूद हूं। आपका नाम? रुपेश। रुपेश जी सर क्या कुछ आधार रखे गए, पक्ष रखे गए ईडी वालों के द्वारा? पक्ष में यही रखा गया कि जो भी जमीन के रिगार्डिंग जो भानु प्रताप के कस्टोडियन से जो पंजीकृत 11 ट्रक पाया गया था उनके घर से, उसमें ये बातें आई हैं कि उसमें हेमंत सोरेन की जो संलिप्तता है, उनके परिवार या उनके नाम से जमीन, उसके रिगार्डिंग पूछताछ अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। उसी बात को लेकर फर्दर 11 सात दिन की रिमांड मांगी गई थी जिसमें से पाँच दिन का रिमांड कोर्ट के द्वारा एक्सक्यूज किया। डिमांड नहीं किया गया, कोर्ट ने हेमंत सोरेन साहब से पूछा कि बातें क्या हैं, उनके द्वारा खुद यह रखी गई बातें तो उन्होंने खुद से बताया कि हमें अच्छी सुविधा नहीं दी जा रही है, बढ़िया से नहीं रखा जा रहा है। बट इस रिगार्डिंग कोर्ट ने जब पूछताछ किया तो यह बताया गया कि नहीं, इनको पूरा सुविधा दिया गया है, इनसे रखने की बातें आई हैं और ढंग से रखा गया है। फर्दर डायरेक्शन दिया गया है कि जो है अच्छा तरह से रखा जाए, ये बातें कोर्ट के द्वारा बताया गया। देखिए कोर्ट क्या